और पुच्छ नामक बानिक ने एक बार भगवान बुद्ध से कहा, भगवान मेरी सेवा स्वीकार करे, मेरे पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, वह सब आपके काम आए। बुद्ध कुछ न बोले, चुपचाप चले गए। कुछ दिन बाद वह पुनः तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा, देव यह आभूषण और वस्त्र ले ले, दुखियों के काम आएंगे, मेरे पास अभी बहुत सा द्रव्य शेष है। बुद्ध बिना कुछ कहे वहां से उठ गए। चोरपुच्छ बड़ा दुखी था कि वह गुरुदेव को किस तरह प्रसन्न करे। वैशाली में उस दिन महाधर्म सम्मेलन था, हजारों व्यक्ति आए थे, बड़ी व्यवस्था जुटानी थी, सैकड़ों शिष्य और भिक्षु काम में लगे थे। आज चोरपुच्छ ने किसी से कुछ न पूछा, काम में जुट गया। रात बीत गई, सब लोग चले गए, पर चोरपुच्छ बेशुद्ध कार्य निमग्न रहा। बुद्ध उसके पास पहुँचे और बोले, चोरपुच्छ तुमने प्रसाद पाया या नहीं? चोरपुच्छ का गला रुंध गया, भाव विभोर होकर उसने तथागत को साष्टांग प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, वत्स, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वह तो निष्ठा का भूखा है, लोगों की निष्ठाओं में ही वह रमन किया करता है, और तुमने स्वयं यह जान लिया।